हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भाई गलती से ठीक ठाक कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ओके, अब तैयारी नहीं करोगे तो बेटा कब करोगे? ओके, चलिए गुड इवनिंग सभी बच्चों के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एकदम बेसिक से मैं आपको ये चीजें पढ़ाने वाला हूं। यूट्यूब जी बेवफा हो गए कुछ, तुम लोग बेवफा हो जाओ भाई। पहला क्वेश्चन था यार, वो मेरे से मतलब डिलीट हो गया गलती से, पता नहीं कैसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोललता के बारे में सभी बच्चे पढ़े हो भाई, तो मेरे को जल्दी से बताओ मोललता जो है वो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल प्रति लीटर विलयन, मोल प्रति किलोग्राम विलयन, मोल प्रति किलोग्राम विलायक, या मोल प्रति लीटर विलायक? सभी बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताओ भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तैयारी आपकी पता पड़ जाएगी कि ऐसी तैयारी कर बैठे हो आप लोग। बताओ भाई, मोललता किस विलयन की मोललता कहलाती है? तो हम इसको मोल प्रति किलोग्राम विलायक में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? याद रखना सभी बच्चे, भूलना मत भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया, फिर जल मिलाकर विलयन का जो कुल आयतन है वो 1 लीटर कर दिया गया। विलयन में NaCl की मोलरता क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चा, 5.85 ग्राम क्या है, NaCl है, इसको हमने 200 मिली जल में घोल दिया, ठीक है, और फिर हमने इसमें जल मिलाया और विलयन का जो कुल आयतन है वो कितना कर लिया, 1 लीटर। अब विलयन में NaCl की जो मोलरता है वो क्या होने वाली है भाई, कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। जो भी बच्चे हमारे कर सकते हैं सुंदर से प्यारे से, वो ट्राई करें, मेरे को आंसर कमेंट करें भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, आसान है, बट आसान उसी को लगेगा जो इसको करने का प्रयास करेगा भाई। अब ये मत कहना अरे सर इसमें क्या है, सर अभी कर देंगे हम, ठीक है, वो चीज नहीं आनी चाहिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, न्यूमेरिकल है, कोई नई चीज नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाओगे। मोलरता बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अनुभार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, इतना हिंट काफी है आप सभी के लिए भाई, जल्दी से बताइए, इतना हिंट काफी है ना? चलिए उम्मीद करता हूं इतना हिंट काफी होगा, इट्स सफिशियंट फॉर यू। मैं करा दूं? चलिए कुछ नहीं है भाई, आसान है, मोलरता हमको निकालनी है, विलय का भार कितना है 5.85 और इसका अणुभार भी इतना ही आएगा 58.5, ठीक है। आयतन इसने क्या किया, पहले 200 मिली जल में हमने इसको घोला, लेकिन हमने इसमें और जल मिलाया और इसका आयतन 1 लीटर कर दिया, तो यहां पर आपको आयतन 1 लीटर ही लगाना है। तो 5.85 बटे 58.5, पॉइंट हटाओगे 100 बढ़ गया, यहां से पॉइंट हटाओगे 10। बेसिक वाली कैलकुलेशन बता रहा हूं भाई, ठीक है, मत कहना सर क्या बता रहे हो। ये कट गया 1/10, 10 से 1 को काटोगे 0.1 m आ गया, मतलब सी, ये सी उल्टा ऊपर नीचे हो गया भाई, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये बी है, ए है। इसका जो राइट आंसर है वो 0.1 आ रहा है। अगर सभी का यही आया है तो मेरे को जल्दी से बता दो भाई, ए कैसे हो सकता भाई, ये नहीं होगा बेटा, सवाल को देखो कैसे बोला है, उसने उसमें और जल मिलाया और विलयन का जो कुल आयतन है अब 1 लीटर कर लिया गया है, विलयन में NaCl की मोलरता हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है, ऐसा कौन सा गुण है विलयन का जो ताप पर निर्भर नहीं करता इनमें से? जल्दी से कमेंट करें भाई, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या घनत्व, ऐसा कौन सा गुण है विलयन का जो ताप पर निर्भर नहीं करता? आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे अभी पता चल रहा है भाई, आप कितने ग्रेड कैटेगरी के बच्चे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही कितना भाई संजीवनी बूटी आपको मिल रही है इस टाइम, क्या मिल रही है, संजीवनी बूटी। अगर ये भी नहीं पियोगे तो फिर आपको कुछ नहीं होने का बेटा, याद रखना इस चीज को। जल्दी से बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा गुण है विलयन का जो ताप पर निर्भर नहीं करता है? बी 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 बी, लॉक कर दें बी को, एक बार जल्दी से बताएं भाई, लॉक कर दिया जाए बी को। चलिए हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बी को लॉक कर दो, चलिए हम बी को लॉक कर देते हैं और आप सही भी हो। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता, ये विलयन का ऐसा गुण है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, जल की मोलरता क्या है? इसका आंसर सभी को पता भाई, इसका आंसर हमारे 99.95% बच्चे जानते होंगे भाई, विलयन की मोलरता बताइए इनमें से क्या सही है, सॉरी जल की मोलरता क्या है,
जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर मेरे को, फाइव का आंसर कमेंट करें सभी बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फाइव जल्दी से कमेंट करें, जल की मोलरता क्या है? हाँ ग्लास में जल की मोलरता बताइए भाई, सभी को पता है 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, जो भी बच्चे सही बताए हैं उनका आंसर एकदम सही है, 55.5 जो भी बताए हैं उनका आंसर एकदम सही है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, पराशर दाब, प्रकाशिक सक्रियता। क्या पूछा है सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है? मैंने आपको तनु विलयनों के चार अणुसंख्यक गुणधर्म बेटा पढ़ाए हैं ना, तो उन्हीं में से बताओ इनमें से ऐसा कौन सा है जो तनु विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, पराशरता, प्रकाशिक सक्रियता। हाँ पराशर दाब, ओके। चलिए और बच्चे कमेंट करें भाई, पराशर दाब को लॉक कर दें भाई। नेटवर्क इश्यू, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो मोहम्मद राशिद, क्या करें भाई। चलिए जो भी बच्चे हमारे इसका आंसर बता रहे हैं पराशर दाब, उनका आंसर एकदम सही है, क्योंकि तनु विलयनों के चार अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, पराशर दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है भाई, ये सभी बच्चों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बताइए, पहले ये विधियां भी आपके सिलेबस में थी, बट अब इन सारी विधियों को आपके सिलेबस से उखाड़ कर फेंक दिया भाई। ठीक है, बताइए भाई, उच्च अणुभार के पदार्थ का अगर हमें अणुभार निर्धारित करना है तो निम्नलिखित में से सबसे उत्तम विधि है पराशरण दाब मापन। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पहले सारी विधियों का आपके सिलेबस में जिक्र था बट अब नहीं है। नेक्स्ट है, वाष्प दाब अवनमन सबसे अधिक किसमें है? 0.2 m यूरिया में, 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m बेरियम क्लोराइड या 0.1 m मैग्नीशियम सल्फेट। जल्दी से बताएं सभी बच्चे भाई, जिसको पता है अच्छी बात है भाई, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूं बेटा, पढ़ा चुका हूं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें भाई, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं है। चलिए, पता है भाई नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। 0.1 m बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसके वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा इन सभी की अपेक्षा। यूरिया है, ग्लूकोज है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इनसे ज्यादा किसमें है? बेरियम क्लोराइड में। चलिए नेक्स्ट, ये तो सभी को पता होगा भाई, विलयन स्थिरांक R का मान सबको पता है बेटा, 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, ये वाला इसका राइट हो जाएगा हमारा। तो देखो, जिन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अब आपको भी पता है बेटा, आपके पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय कम है, तो आप लोग भी अपना फालतू समय बर्बाद मत करना। ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत टाइम है, आसानी से तैयारी करेंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, नहीं होएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अभी से लग जाओ मेहनत करने से, एकदम शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए बस इस वीडियो पर मेरे को ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक चाहिए और शेयर चाहिए और कमेंट चाहिए भाई। पूरी बुक के ऐसे ही कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सब कुछ ना सिंगल वीडियो एक चैप्टर में कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? किसमें विलयन का अणुसंख्यक गुण, मतलब ये भी कह सकते हो कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? पराशर दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन। जल्दी से बताओ भाई, इसका 10 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करो भाई।
चलिए तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव तनु विलयनों का अल्पसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl या 1% कैल्शियम क्लोराइड? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं भाई, इसका आंसर क्या होने वाला है। जिनको भी पता है कमेंट करें भाई। कमेंट कर दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। चलिए, जिनको पता अच्छी बात है, हम इसको देते थे आपको SW। आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इसका आंसर कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? पोटेशियम क्लोराइड KCl विलयन का, स्वर्ण विलयन सोने के विलयन का, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 विलयन का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट Al2PO4 का होल थ्राइस? कौन से विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है? क्या कोई बच्चा हमें बता सकता है? जिसको पता है कमेंट कर दे भाई, नहीं पता कोई बात नहीं भाई। तो इन सब में सबसे कम जो परासरण दाब होता है वो स्वर्ण विलयन का होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इन सब में सबसे कम किसका होगा? स्वर्ण विलयन का। चलिए नेक्स्ट, ये तो सबको पता होगा भाई, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? और ये 2024 में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन संबंधी नियम तो वाष्प दाब से है भाई, सबको पता ही है इसका आंसर। तो अब इतना भी नहीं पता है तो फिर आपकी हालत बड़ी गंभीर चल रही है बेटा। ठीक है, अगर इतना आपको नहीं पता है तो ये क्या कह रहा है, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को जल में घोला गया। ठीक है भाई, अब कितना जल है, कितना जल है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, सुक्रोज को 16, ठीक है, जल में घोला गया। आगे कह रहा है, यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कितना होगा? देखो क्या बोला सवाल में, 12 ग्राम यूरिया है उसको 1 लीटर जल में घोला गया तथा जो 68.4 ग्राम सुक्रोज है इसको भी हमने जल में घोल दिया है, तो यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है भाई। ठीक है, अब देखो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, सभी को पता होगा भाई। जिनको नहीं पता है क्या बोले उनसे, अब थोड़ा सा मेहनत वेहनत कर लो यार, दैट्स बेटर फॉर यू। और सुक्रोज की बात करूं भाई, सुक्रोज का मतलब चीनी, C12H22O11। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई। अब देखो, अगर 68.4 ग्राम हमारे पास यूरिया है, मैं मोलों की संख्या फाइंड आउट करूंगा यहां से, भार बटे अड़ू भार, तो 68.4 बटे 342, यहां से सुक्रोज के मोलों की संख्या निकलेगी, और 12 बटे 60 यहां से यूरिया के मोलों की संख्या निकल के आएगी, 12 × 5 = 60, तो 1/5 मोल तो हमारी यूरिया के निकल के आ गए। सेम अगर मैं 342 को डिवाइड करूं भाई, करो आप लोग 342 को डिवाइड करो 68.4 से, 342 को डिवाइड करो आप 68.4 से, तो ये भी 5 times जा रहा है, 1/5। तो हमने मोलों की संख्या दोनों में कैसी घोली है, अगर मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर हमने बराबर घोली है, यस और नो? सही है ना भाई, समान घोली है। जब मोलों की संख्या समान है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसा होगा भाई, बराबर होगा ना, तो सुक्रोज विलयन के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में विलेय के मोल समान घुले हुए हैं, 1/5 मोल यूरिया के घोले हैं और 1/5 मोल ही हमने सुक्रोज के घोले हैं, तो यूरिया विलयन का जितना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा उतना ही सुक्रोज का भी होगा, तो सुक्रोज विलयन के बराबर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई।
इसमें कुछ नहीं है, बताना कैसे करोगे। गन्ने की शक्कर, इसका उभार है 342 का 5% विलयन, गन्ने की शक्कर का 5%, ये भारानुसार आप मान लीजिए। इसका मतलब भारानुसार का मतलब या आयतनानुसार, ऐसा तो कुछ इसने कुछ दिया नहीं है यार, इसलिए डब्ल ओपन वी मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि भाई क्या क्या है ये, मान के चलते हैं भाई, ठीक है। और पदार्थ एक्स के 1% विलयन से समपराशरी है, मतलब इनके पराशरदाब दोनों के कैसे हैं भाई, बराबर है। पी वन बराबर पी टू या पाई वन बराबर पाई टू आप कर सकते हो। अब ध्यान से समझना भाई, हमारे पास गन्ने की शक्कर है, उधर कोई पदार्थ एक्स है, ठीक है, 5% विलयन, तो इसका जो भार है, जो भार है डब्लू है वो कितना होगा 5 ग्राम, और इसका जो आयतन है वो 100 ml है, हमें लीटर में चाहिए, तो 1/10 liter हमारा इसका आयतन हो गया, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है ये, गन्ने की शक्कर इसका उभार आपको दे रखा है इसने 342 भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ये सारी चीजें हो गई। तो पाई वन बराबर क्या होता है, सी एस टी होता है, तो सी वन एस टी बराबर सी टू एस टी, इनकी जो सांद्रताएं अलग अलग होंगी, एस टी एस टी समान होंगे भाई, एस स्ट्रंग टेम्परेचर समान, ठीक है। चलिए तो सी वन बराबर सी टू, अब सांद्रता अगर मैं सीक्रोस की निकालूं तो विलय का भार बटे अड़ुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, यहां पर भी भार बटे अड़ुभार बटे आयतन लीटर में, ठीक है। चलिए यहां पर भी 1% विलयन है, W कितना लगाओगे 1 ग्राम, और V वही 1/10 liter, और M आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। W लगा दीजिए यहां पर आपका 5 है बटे 342 बटे 1/10 बराबर W 1/M आपको निकालना है, और बटे 1/10, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपका, 5/342 बराबर 1/M, तो M बराबर कितना आ गया 342/5। काट पीट कर लेना, आपका आंसर जो भी आ रहा है एक्स वाई जेड ट्राई करने के बाद आ जाएगा भाई, ठीक है। 5 × 30 = 4, 2 × 5 = 40, 2 = 68.4 आ रहा भाई मेरा, दो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ए वाला आ रहा है, आप सभी बच्चों का यही आया है तो मेरे को जल्दी से बताओ भाई। गुड इवनिंग देशपाल, सभी बच्चे कमेंट करें भाई आपका आंसर क्या आ रहा है। हमारा जो आंसर आया वो ए आ रहा है, 15 का A 68.4, आप सभी का कितना आया सभी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, जो बच्चे नहीं किए हैं अभी तक, बहुत बेकार बच्चे हो आप लोग। चलिए क्लियर है यहां तक सभी को, सभी कमेंट करें भाई, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम, ये एज अ रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा सा तो बेटा मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज आप बहुत लेट हो चुके हो, बट मेहनत करोगे तो हो सकता है सभी बच्चों के इक्वल आप लोग भी आ जाए। दो द्रव हैं पी एवं क्यू के, वाष्प दाब आपको दे रखे हैं 80 mm एवं 60 mm, ठीक है। पी के 3 मोल और क्यू के 2 मोल मिलाने से प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब पी आपको निकालना है, तो पी ए इंटू एक्स ए, एक्स का मोल प्रभाज और पी के ए का वाष्प दाब, प्लस पी बी इंटू एक्स बी। एक्स ए कैसे निकालोगे भाई, तो पी ए इंटू एक्स ए निकालो, तो एक के मोलों की संख्या कितनी है भाई, 3 बटे विलयन के कुल मोल 3 + 2, प्लस पी बी इंटू एक्स बी निकालोगे तो 2/3 + 2, ए का मोल ए का वाष्प दाब कितना दे रखा है, या पी का, पी बी मान लो यार आपका जो मन करता है वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 × 3/5 16 × 5 = 80 होता आई थिंक, प्लस क्यू पी क्यू क्यू पी पी कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्यू का वाष्प दाब कितना भाई, 60 है इंटू 2/5, ये 12 बार कटा तो 16 × 3 = 48 प्लस 12 × 2 = 24, 8 × 4 = 12 हंस लगा एक, 72 mm आ रहा है, बताइए भी डी आ रहा हमारा, तो आप सभी का आंसर कितना आया मेरे को जल्दी से कमेंट करो, 72 mm सभी का आया।
भाई जिसके ऊपर वैलेंसी या फिर आप कह सकते हो संयोजकता ज्यादा होंगी उसका ज्यादा होगा यार। ठीक है, तो किसका ज्यादा है? इसका। इससे कम किसका होगा? इसका, फिर इसका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट, शुद्ध जल की मोलरता ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 55.56 है। ठीक है नेक्स्ट, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ये तो सभी को, छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको क्वथनांक कहते हैं। कितने बच्चों को ये आंसर पता था जल्दी से कमेंट करें भाई। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये वाला आंसर पता था बताएं भाई? जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं यार। क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए, सभी को पता था, कुछ हमारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता था। तो भाई 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रवाह सभी को पता भाई, 0.018 होता है। ठीक है, जिनको ना पता हो मेरे को कमेंट कर देना भाई। ठीक है, वो क्वेश्चन है जिनमें ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? 0.1 mm बेरियम क्लोराइड विलयन का, 0.1 mm फिनॉल विलयन का, 0.1 mm सुक्रोज विलयन का, या 0.1 mm सोडियम क्लोराइड विलयन का? कमेंट कर सकता है कोई बच्चा भाई, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताओ भाई। किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? कमेंट करें सभी बच्चे। वाष्प दाब की बात हो रही है, परासरण दाब नहीं, याद रखना। ठीक है भाई, तो किसका न्यूनतम होगा? 0.1 mm बेरियम क्लोराइड विलयन का। ओके चलिए नेक्स्ट, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल का मोल प्रभाज है। देखो 36 ग्राम आपको जल दे रखा है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये हमारा विलेय हुआ और ये हमारा विलायक हुआ, क्योंकि दोनों ही द्रव हैं। तो जिस द्रव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक, जिसकी कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू भाई 36 ग्राम, और इसका डुभार सभी को पता होगा 18 होता है। कैपिटल डब्ल्यू 46 ग्राम, ठीक है, और इसका जो अडुभार है वो 46 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से स्मॉल एन निकालें विलेय के मोल, तो स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एम 2 मोल, और कैपिटल एन निकालोगे तो कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम कितना आया? 1 मोल। अब आपको क्या करना है भाई? किसका? जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन सबसे पहले आएगा भाई, बटे विलियन के कुल मोल। स्मॉल एन आपके पास 2 है, बटे 2+1, तो 2/3, 3 से 2 को काट दीजिए तो 0.666 कुछ इस टाइप से आने वाला है। ठीक है भाई, 667 ए वाला सही है हमारा एकदम। ठीक है, सभी का यही आया भाई आंसर? सभी बच्चे कमेंट करें आप लोगों का आंसर कितना आया भाई, जल्दी से बताएं भाई आप लोगों का आंसर कितना आया है। हमारा जो आंसर आया आपकी स्क्रीन पर देख ही सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, 0.667। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध जल की मोलरता, यार कितनी बार लिख दिया हमारे पीपीटी महोदय ने इसको, पता ही नहीं पड़ रहा भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन है भाई। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है, कितने बच्चे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्लूकोज का मोल प्रभाज आपसे पूछ रहा है। कैपिटल डब्ल्यू 90 ग्राम, ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू 1.8 ग्राम। कैपिटल एम जल का जो अड़ुभार है वो 18 होता है, और ग्लूकोज का जो अड़ुभार है 180 होता है। आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को पता हो। अब क्या करना भाई? सबसे पहले आप कैपिटल एन निकालोगे, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, और यहां से आप स्मॉल एन निकालोगे, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। कैपिटल डब्ल्यू आपके पास कितना है? 90। कैपिटल एम कितना है? 18। 18 × 5 = 90, तो ये हमारा 5 निकल के आ गया, 5 मोल। अब स्मॉल डब्ल्यू आपके पास कितना है? 1.8, और स्मॉल एम 180। पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ गया, 18 × 2 = 180 होता है भाई, तो 1/100।
या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.01 मोल। क्या लिख सकता हूं, 0.01 मोल। अब मुझे केवल और केवल ग्लूकोज के मोल मोल प्रभास निकालना है। किसका भाई? ग्लूकोज का मोल प्रभाज। कैसे निकालोगे? स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन हमारे पास कितना है, 0.01, और यहां पर 0.01 प्लस कैपिटल एन 5, तो 0.01 बटे 5.01। तो आप 0.01 को डिवाइड कर सकते हो 5.01 से, और मेरे को आंसर बताइए कितना आ रहा है भाई। सभी बच्चे करें और मेरे को आंसर कमेंट करें भाई, इसका कितना आया आप सभी का। 0.01 है आपका, इसको डिवाइड आपको करना है 5.01 से, तो 0.00199 0.00019। ठीक है भाई, इतना बहुत है, 0.0019 सी ऑप्शन सही है। आप सभी का कितना आया मेरे को कमेंट करें सभी बच्चे जल्दी से। आप सभी का आंसर कितना आया बच्चों, इतना ही आया या फिर कुछ अलग आया है? जल्दी से बताएं भाई सभी बच्चे, आप सभी बच्चों का आंसर कितना आ रहा है? जितना हमारा आया उतना ही आया या फिर कुछ अलग आया भाई? इतना ही आ रहा है ना बच्चों? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे एक प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो बताए हैं ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, इतने तो आप लोगों को तैयार जरूर करने हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर मॉडल पेपर है, अनसॉल्व पेपर है, बुक है, उसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर सकते हो। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। उसके बाद अगर हमारे बच्चों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती है तो फिर हम इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आपको बताने वाले हैं। कल से अगर आप चाहते हो बड़े बड़े सेशंस रहें, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, तो कल से संख्या जो है वो 250 प्लस होनी चाहिए या 200 प्लस होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये तो बहुत कम बता रहे हैं तो इस टाइम पर, तो चलो छोड़ो, गॉन आर द डेज। चलिए भाई, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं ये मैं करा चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कराने से कोई फायदा नहीं है। कहाँ पर मिलेगा, तो आपको एक प्लेलिस्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा, आज प्लेलिस्ट अपडेट नहीं होगी, तो केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको ये चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर मैंने 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, करा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं किए हैं बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इनको कर लेना, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये पहला है, दूसरा है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाओ जो बच्चे पेड नहीं है भाई। ये तो आपको न्यूमेरिकल जरूर लगाने हैं जितने मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे मैं विद सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ। जो बच्चे पेड हैं वो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न वाली कैटेगरी में जाके देख लें वो ऐप में, ठीक है भाई, वहां पर आपको मिल जाएंगे। देख लो बच्चों, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लेना, ओके। देख लीजिए भाई, ये सारे के सारे आए हुए न्यूमेरिकल हैं, PYQ आप कह सकते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। लगभग 50 न्यूमेरिकल्स मैंने ऐड कर रखे हैं, स्क्रीनशॉट रोक रोक के ले लेना बाद में आप वीडियो का। तो इतने तो आपको बेटा न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाद में मत कहना अरे सर हम तैयार नहीं कर पाए थे, सर ये सर वो, ओके, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इतने न्यूमेरिकल्स आपको जरूर तैयार करने हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है बेटा वो होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। आप सभी ने फॉर्मूला तो तैयार कर लिए होंगे, मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो, मुझे पता है। जब पेपर सर के ऊपर नाचने लगेंगे ना, तब सोचना स्टार्ट करोगे अरे चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो घर वालों पर थोड़ा एहसान कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आप घर वालों पर एहसान नहीं कर रहे हो बेटा, खुद पर एहसान कर रहे हो पढ़ने के बाद। चलिए कोई बात नहीं है, जैसी जिसकी मान सकता हो वैसा ही काम करता है। रेडियो भाई, सभी बच्चे कमेंट करें न्यूमेरिकल्स कितने बच्चों को आते हैं जितने मैंने आपको भी शो कराए हैं, जल्दी से बताओ भाई। सूरज मैंने डाल दूंगा, किसकी बेटा डली हुई ऑलरेडी है, ठीक है, ऐप में एक बार आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके।
चलिए तैयार हैं, चलो जिनको तैयार है बहुत अच्छी बात है, जिनको तैयार नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है भाई। चलो पहला क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर मिक्स करूँगा भाई, ऐसा नहीं कि केवल एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जैसा मैंने बोला है वो सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके, विलियन के पराशर दाब का नाम सुने हो भाई, सुने हो ना, विलियन के पराशर दाब और सांद्रता के बीच, और सांद्रता बताने वाला, सांद्रता में संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला समीकरण लिखिए भाई, बताओ, बताए किसी को तो जल्दी से कमेंट करो, समीकरण लिखिए। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, ऐसा कौन सा समीकरण है जो पराशर दाब और सांद्रता में रिलेशन बताता है, बताओ बच्चों, पढ़ रखा है तो भी कमेंट करो, अभी पता चलेगा भाई। चलिए परमिंदर कश्यप जी सर, चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर क्या होने वाला है, विलयन के पराशर दाब और सांद्रता में क्या रिलेशन होता है, इसको कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। सर ये करा दिया आपने भाई, डाल दीजिए प्लीज। सर जी फिजिक्स में चैप्टर सोनम यादव, मतलब किस चीज का सॉल्यूशन ये बताओ, ऑलरेडी डला हुआ है भाई सारा, सोनम यादव, लेकिन कमेंट्स पे ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं, मुस्कान अरोड़ा अच्छी बात है, जल्दी से बताओ भाई। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन लिख चुका हूं, इसका आंसर जिनको पता है जल्दी से कमेंट करें, विलयन के पराशर दाब और सांद्रता में संबंध बताने वाला हमें यहाँ पर समीकरण लिखना है केवल। तो भाई जिन बच्चों ने पढ़ रखा पाई बराबर सी एस टी, अरे वही तो है यार, जहां पाई हमारा क्या है, पराशर दाब, पाई क्या है पराशर दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है विलयन की सांद्रता, सी क्या है विलयन की सांद्रता, एस क्या है विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक, इसके देखो दो वैल्यूज होती हैं जो कि आप लोग याद रखना, एक तो होती है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, ठीक है, और एक होती है आपकी 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन, और अगर मैं कैपिटल टी की बात करूंगा तो यहां पर कैपिटल टी हमारा क्या है, परम ताप है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, शायद हमारे ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ओके, उनका सॉल्यूशन बेटा वीडियो के माध्यम से देख लो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने इसको तैयार कर लिया होगा, भूलना मत अब, ठीक है, भूलने का टाइम अब नहीं बचा है। राउल्ट का नियम लिखिए भाई, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई चैप्टर वाइज, राउल्ट का नियम लिखिए, बताइए भाई कितने बच्चों को राउल्ट का नियम तैयार है भाई, सभी बच्चे कमेंट करें, राउल्ट का नियम कितने बच्चों को तैयार है, राउल्ट का नियम तो क्या कहता है बच्चों ये नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कोई भी विलयन है भाई, विलयन के किसी विलयन के, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड कर दोगे और यहां पर आप अर्थात करके लिखोगे पी माइनस पी एस अपॉन पी, पी क्या है भाई विलयन का पराशर दाब, ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, सॉरी पी क्या है भाई विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है विलयन का वाष्प दाब, इज इक्वल टू विलय का मूल प्रभाज एन बटे एन प्लस कैपिटल एन,
आगे लिखोगे यदि विलयन अति तनु, मतलब बहुत ज्यादा तनु है, अति तनु है, तो जो विलयन हमने ले रखा है अगर ये बहुत ज्यादा तनु है भाई, कैसा है, बहुत ज्यादा तनु है, तो हम क्या करते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे कैपिटल एन, क्योंकि विलयन बहुत ज्यादा तनु है, इसमें विलय के मोल बहुत ज्यादा कम है, तो विलायक के सापेक्ष ये जो कुल मोलों की संख्या होगी इसको हम क्या मानेंगे कैपिटल एन, क्योंकि विलयन हमारा बहुत ज्यादा तनु है, तो क्या हो जाएगा पी माइनस पी एस अपॉन पी बराबर स्मॉल एन बटे, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे कैपिटल एन। अब स्मॉल एन की वैल्यू आपको पता है भाई स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम होता है, और कैपिटल एन क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम आसानी से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा राउल्ट का नियम, जिसकी 2024 में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना भाई। कर लोगे तैयार, बोल लोगे तो नहीं भाई, बोल दो सर भूल लेंगे नहीं, आ जाएगा ठीक है, और मेहनत नहीं करोगे तो भाई नहीं आने वाला, इस चीज को भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था भाई, एक क्वेश्चन बताया भी था टिप्पणी वाला, मोलरता ठीक है, नॉर्मलता, मोललता व मोल प्रभाज पर टिप्पणी लिखिए, पर टिप्पणी लिखिए। शायद सभी को पता होगा भाई, बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बोली है भाई कि ये तीन डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है तीनों में, थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं होता। क्या अंतर होता है थोड़ा सा मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आता है बेटा ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। यहां लिख लो आप लोग मोलरता ठीक है, यहां लिख लो आप नॉर्मलता, यहां लिख लो आप लोग मोललता ठीक है, मोलरता नॉर्मलता मोललता। अब तीनों में अंतर भी आपको एक ही जगह पता चल जाएगा कि भाई अंतर क्या है। अगर मैं तीनों के फॉर्मूले की बात करूं, पहले फॉर्मूला देख लो सभी बच्चे, मोलरता पीछे आप आगे विलयन लगा लेना, मोलरता कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और ये किस में होता है लीटर में, विलयन का आयतन किस में यूज करना है हमें लीटर में ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अगर मैं नॉर्मलता की बात करता हूं, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलय के, यहां मोल की जगह क्या आ जाएगा तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए भाई लीटर में। और अगर मैं मोललता की बात करूं भाई, किसकी बात करूं मोललता की, तो मोललता स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार या आयतन, जो भी आप लिखना चाहते हो, विलायक का भार या आयतन किसमें भाई केजी में, किलोग्राम में। पहले तो आपको ये तीनों फॉर्मूले ऐसे लिख लेने जैसे मैंने यहां पर लिखे हुए हैं भाई, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा नहीं है ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ भाई। मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में ठीक है भाई,
जल्दी से बताओ बच्चों, ये तीनों फॉर्मूले सामने जो लिखे हुए हैं ना, पहले तो आप ये देख लो भाई, ये तीनों फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ दिख रहे होंगे भाई, नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है भाई, दिख रहे हैं ना सबको अच्छे तरीके से। चलिए दिख रहे हैं, अच्छी बात है। चलो अब देखो डेफिनेशन कैसे बनानी है, तीनों की हमें डेफिनेशन समझनी है, हमें रट्टा नहीं मारना। तो किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या बोला मैंने, किसी विलयन के, कोई भी विलयन है भाई, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन, कितने लीटर, एक लीटर आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इधर आओ, अब किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या बोला मैंने, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इधर आओ, अब किसी विलायक के, यहां पर विलायक वाली कंडीशन आ जाएगी, किसी विलायक के एक किलोग्राम में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती। अंतर समझो, मैं अंतर कहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों में। यहां पर मैंने क्या बोला, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यहां पर मैंने क्या बोला, किसी विलायक के एक किलोग्राम आयतन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। बस तीनों डेफिनेशन सिमिलर टाइप की हैं, केवल एक तैयार कर लो, बाकी ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए अब इनके लिए आगे और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोल, क्या लिख सकते हो, विलय का भार बटे विलय का अड़ुभार बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन किसमें यूज करना है हमें, लीटर में। ओके, तो मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय का भार, मोलों की संख्या को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, सबको पता होगा। और अगर आप नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला बनाओगे भाई तो क्या बनेगा, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, यहां अड़ुभार नहीं होता, तुल्यांकी भार होता है, विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, किसमें यूज करना है हमें, लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में। अगर मैं मोललता की बात करूंगा तो मोललता स्मॉल m बराबर विलय का भार बटे विलय का अड़ुभार बटे विलायक का भार, ये किसमें है हमारा, केजी में, तो विलायक का भार ये किसमें यूज करना है आपको, किलोग्राम में या फिर केजी में। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला बनाओगे और डेफिनेशन मैंने आपको समझाई दी है कि आप लोगों को डेफिनेशन कैसे बनानी है। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों, एक बार जल्दी से बता दो। देख लो, मैंने आपको तीनों डेफिनेशंस अच्छे से बता दी हैं, कैसे आपको बनानी है। अगर मैं मोल प्रभाज की बात करूं तो किसी विलयन का मोल प्रभाज विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। अगर केवल आप मोल प्रभाज ऐसे लिख दोगे, ठीक है भाई, तो यहां पर आप लिखोगे स्मॉल n या कैपिटल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n,
ये मूल प्रभाज के लिए डेफिनेशन आप बना सकते हो कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं विलयन का। और विलयन में हमारे दो पद होते हैं, एक हमारा होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकालोगे तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और अगर आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, भाई इसका विलायक का मोल प्रभाज अगर आप निकाल रहे हो तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अगर मोल प्रभाज वाली डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं, या करके इसका नाम और लिख लीजिए मोल अंश। क्या लिखोगे, मोल अंश कहते हैं। और अगर आपसे पूछे भाई कि विलेय का मोल प्रभाज, तो किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। और किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। तो अगर ऐसी डेफिनेशंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग इनको करके आओगे या फिर छोड़ के आओगे, भाई जल्दी से बताओ। सभी बच्चे लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर तो खैर नहीं करते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है मेरे दोस्त। ओके, समय बहुत कम बचा है, अभी मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ओके ठीक है भाई, चलिए नोट कर लो सभी बच्चे, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी भाई, उम्मीद करता हूं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक होगा हमारे यहां पर। देखो एक तो होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल ध्यान से समझना दोनों चीजों को, मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है भाई। एक है हमारे पास मोलल उन्नयन स्थिरांक और एक है मोलल अवनमन स्थिरांक, अंतर तो होएगा भाई, बताइए अंतर होएगा नहीं होगा, होएगा। तो किसी विलायक के, ध्यान से समझना बेटा, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसमें भाई 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनपघट्य के, किसी वैद्युत अनपघट्य जानते हो सभी बच्चे, जानते हो ना भाई उम्मीद करता हूं, किसी वैद्युत अनपघट्य के 1 मोल को घोलने पर, कितना घोलना भाई 1 मोल, ठीक है 1 मोल, 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक, यहां पर मैं स्लैश में लिख दे रहा हूं हिमांक, उसके क्वथनांक स्लैश हिमांक, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि, और हिमांक के तो क्या होगी भाई कमी, जो वृद्धि और अगर हिमांक के तो क्या होगी कमी, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर आप क्या लिखोगे इसे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखो एक तीर दो शिकार वाली बात आपने सुनी होगी, कहावत भी सुनी होगी। इसके बाद आएगा ज्योति इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है जैसे ही चैप्टर एंड होगा उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगा, मतलब कल या परसों,
वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कब चाहते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उसमें सारी चीज़ें करा दी जाएंगी, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो उसके तो न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं उसी वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा, थोड़ी बड़ी होगी तो मैं सोच रहा हूँ संडे में उसको कराऊँ भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लंबा चैप्टर जाएगा भाई, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव ही हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी इसी में करा दूंगा, नहीं तो चलो देख लेंगे भाई न्यूमेरिकल्स में एक साथ ही करा दूंगा, क्या अलग अलग उनको पार्ट्स में कराता रहूँ फिर, ठीक है वो देख लिया जाएगा, संडे को कराएंगे उसको। अब देखो मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ क्यों समझाया आप लोगों को, देखो केवल आप एक डेफिनेशन तैयार करोगे, अगर आपसे मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु या 1 मोल। अब समझो यहां पर इसका मतलब क्या है, हमने विलायक ले लिया भाई जल, हमने विलायक यहां पर क्या ले लिया जल, और जल के 1000 ग्राम में हमने किसी वैद्युत अनपघट्य मान लो ग्लूकोज, ग्लूकोज के 1 मोल, 1 मोल का मतलब शायद सभी बच्चों को पता होगा 180 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि 180 को आप 180 से डिवाइड करोगे ना तभी वो 1 मोल बनता है। तो हमने क्या किया, जल के 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल में हमने ग्लूकोज के 1 मोल को घोल दिया, और 1 मोल घोलने पर अब जल के क्वथनांक में वृद्धि होगी भाई, होगी या नहीं होगी, क्या जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा 180 ग्राम ग्लूकोज घोलने के बाद, नहीं रहेगा ना भाई, वृद्धि होने वाली है, तो जो वृद्धि होगी उसी को कहते हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक। सेम अगर हमने 1000 ग्राम जल में ग्लूकोज के 180 ग्राम को या 1 मोल को घोला तो उसके हिमांक में जो कमी होगी, उसके हिमांक में जो कमी होगी, जो अवनमन होगा, उसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, उसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। याद रखोगे या भूल जाओगे भाई, याद रखोगे ना, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा भाई कुछ बच्चों ने, उम्मीद करता हूं, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू, पढ़ा भाई ये वाला या नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं, ए बी इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बताओ बच्चों पढ़ाई वाला फॉर्मूला, सभी ने न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं मैं, स्मॉल एम बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये किसके लिए है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए, और एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये किसके लिए है, मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले ही आप सभी बच्चों को याद रखने हैं, सारी चीजें बेटा आपको पता होंगी, के बी क्या है भाई क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू क्या है विलेय का भार, डेल्टा टी बी क्या है क्वथनांक उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू क्या है विलायक का भार, एम क्या है विलेय का अणुभार, सेम सारी चीजें उधर भी हैं यार। तो बेटा मेहनत करो बस, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें इजी लगेंगी, बट कहते हैं ना बेटा जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बट कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्या क्वथनांक उन्नयन अगर आ जाए पेपर में, या फिर आपका हिमांक अवनमन आ जाए कि भाई क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हो, तो आप क्या लिखोगे, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, सभी बच्चे बताओ भाई। अगर हमारे पास कोई विलायक है, मान के चलो भाई जल है, और जल में हमने कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिला दिया, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, कोई भी अवाष्पशील जब विद्युत अनपघट्य इसमें मिलाया जाएगा तो उसके क्वथनांक में तो भाई वृद्धि होने वाली है, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसको कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो भाई कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर, अब विलयन का क्वथनांक ज्यादा है तो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, तो विलयन के क्वथनांक में से हम विलायक का क्वथनांक घटा देंगे तो हमें क्वथनांक उन्नयन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन, क्या बोला था मैंने,
किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जैसे मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज घोला, जल का क्वथनांक सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही हमने उसमें 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया तो अब उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। तो जितनी वृद्धि होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। क्या बोलते हैं भाई, संडे में होएगा, संडे में मोहम्मद राशिद, संडे में क्या, अब हम एवरीडे आपका टेस्ट सोच रहे हैं भाई, क्योंकि टाइमिंग कम बचा है, तो एवरीडे आपका टेस्ट हो वो प्लान किया जा रहा है मंडे से, ठीक है, उसका अनाउंसमेंट हम लोग संडे में कर देंगे भाई, ठीक है। चलिए, अगर सेम हमारा हिमांक अवनमन होता तो हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर उल्टा होता है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, मतलब विलयन का हिमांक कम होगा, विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, तो विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटाते हैं तब हमें हिमांक अवनमन मिलेगा। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाने पर विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। अगर हिमांक अवनमन आप निकाल रहे हो ना, तो यहां पर आप लिखोगे विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो आपको हिमांक अवनमन यहां पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बेटा आपको लग रही होंगी, बट यही चीजें ना आपको दिक्कत कर जाएंगी पेपर में जाके, ठीक है, अगर नहीं करके आओगे तो। याद रखना सभी बच्चे, समपराश्री विलयन क्या होता है सभी को पता होगा भाई, बताइए समपराश्री विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके पराशर दाब, समपराश्री विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, समपराश्री विलयन कहते हैं। एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि समपराश्री विलयन कैसे कहते हैं, तो वे दो विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं उनको समपराश्री विलयन कहा जाता है। याद रखोगे ना, भूलना मत बिल्कुल भी, ओके। तो मेहनत करने से बेटा लग जाओ, काम ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। एक आधो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी तैयार कर सकते हो, एक आप हेनरी का नियम यहां से तैयार कर लेना, हेनरी का नियम सभी को पता होगा भाई, एम प्रोपोर्शनल पी, उम्मीद करता हूं पता हो। क्वेश्चन नंबर 7 पराशर दाब नियम आप यहां से तैयार कर लेना, पराशर दाब के नियम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यार कहते हैं ना जब दिन खराब होता है ना तो कुछ भी आ जाता है, जो हम तैयार करके नहीं जाएंगे ना वही आ जाएगा पेपर में। तो ये एक एक दो दो नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बट न्यूमेरिकल पर आप यहाँ से थोड़ा ज्यादा फोकस करना तो आपको थोड़ा अच्छा हेल्प मिल जाएगा भाई पेपर में, ठीक है बच्चों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने ज्यादातर कराने का प्रयास किया है, एक आधो क्वेश्चन आपको अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो आप उनको अपनी तरफ से तैयार कर लेना, सफिशियंट है भाई। आज हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, जो बच्चे नए हैं न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया भाई 50 न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लेना कम से कम, सारे मैंने बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना बेटा, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेहनत करने से लग जाओ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, कल मैं 8:15 बजे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव देखना चाहता हूं भाई, ठीक है। जितने ज्यादा बच्चे लाइव रहेंगे उतना ही हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चा बाड़ी। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।